गाइस वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? और अपने ब्लॉग में आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ श्रीखंड बनाने की रेसिपी। तो पहले हमें उसका जो चक्का है वो तैयार करना पड़ेगा। तो कल मैंने दही को रात में जमाने के लिए रख दिया था, तो बहुत ही अच्छा दही जमा है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो हमने इसको सिल्वर के बर्तन में जमाया था और देखिए बिल्कुल मार्केट जैसा दही जम के इधर रेडी हुआ है। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमें चक्के के लिए क्या करना है, कैसे श्रीखंड का चक्का इस तैयार करना है। तो बस इसको हम एक से पतले से कपड़े में ले लेंगे, लिनन का वो कपड़ा तो और अच्छा है, और पूरा दही हम इस कपड़े में निकाल लेंगे। इस तरीके से हमें पूरा दही एक कपड़े में निकाल लेना है और इसका पानी हमको बाहर रखना है। जैसे हमें दही का पूरा पानी बाहर कर देना है और हमें 1-1.5 घंटे के लिए ये पोटली को कहीं भी टांग के इस तरीके से रख देना है, जिससे पूरा पानी इसका बाहर आ जाएगा। फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। तो इस तरीके से एक पोटली बना के टांग देना है और 1-1.5 घंटे के लिए हम इसको टांग देंगे, जिससे इसका पूरा पानी बाहर निकल आएगा और फिर अच्छे से चक्का रेडी हो जाएगा। तो गाइज मैं आपको बताऊंगी कि ये मैंने दिन भर से ये चक्का बांध के रखा था और अभी मैंने निकाला तो ये कितना क्रीमी है। और इसमें मैंने शक्कर पीसी है और शक्कर में इलायची भी पीस ली है और दोनों को मैं इसमें मिक्स कर दूंगी। अब पीसी हुई शक्कर और इसको मैं अच्छे से मिक्स करूंगी। हमें इसमें जितने भी लम्स हैं इसको ख़त्म करना है, कम से कम हमें इसे 10 से 15 मिनट तक अच्छे से मिक्स करना है। अब इसमें मैं थोड़ा सा फूड कलर मिक्स करूंगी, जिससे इसका कलर बहुत प्यारा आएगा। तो गाइज ये इधर ये बन के तैयार हो गया था। मैंने 10 से 15 मिनट इसको अच्छे से फेंटा है और मैंने ये ली है इधर मिट्टी की ये छोटी सी मटकी है। अब इसके अंदर मैं इसको भर लूंगी, इसको सर्व करेंगे हम। तो इसमें मैंने सर्व कर दिया है और थोड़े से ड्राई फ्रूट से इसको अच्छे से और श्रीखंड को अच्छे से मटकी पे डेकोरेट कर देंगे हम। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये देखने में। तो आप भी अपने घर में ट्राई करिए, बहुत फटाफट बनने वाली डिश है। तो कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताएं। और नौ दुर्गा चल रही है, फास्ट भी चल रहे हैं लोगों के, तो अपने घर में ज़रूर बनाए, बहुत ठंडा रहता है अपनी बॉडी के लिए। और मैं बोलूँगी कि बस ये नौ दुर्गा स्पेशल है व्रत के लिए, तो प्लीज़ अपने घर में इसको एक बार जरूर ट्राई करें। और नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ अगले वीडियो में।